Hello students, welcome to my class English with Priti Ma'am. Student, today we are going to start a new poem and the title is Fire and Ice. Student, ये class 10th की poem है जिसका title है Fire and Ice. Fire means क्या होता है? Fire means होता है आग और ice means क्या होता है? Ice means होता है पानी या बर्फ. बर्फ होता है लेकिन हम इसको यहाँ पर पानी की तरह लेंगे. ठीक है, तो इसमें दो अपोजिट चीजों के बारे में बताया गया, एक आग और दूसरा पानी. और इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत रेनाउंड पोएम पोएट थे. इनकी एक पोएम आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ी थी, द रोड नॉट टेकन. ठीक है, अब उनकी ये पोएम है जो क्लास 10th में, जिसका नाम है फायर एंड आइस. तो इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि कैसे ये, जैसे हम सभी सुनने में आया होगा ना कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी. किसी धर्म में कहा गया है कि ये दुनिया आग से खत्म हो जाएगी, यानी चारों तरफ आग ही आग रहेगा. और कभी कभी किसी धर्म में कहा गया है कि ये दुनिया पूरी पानी में प्रलय आ जाएगा, पूरा जलमग्न हो जाएगा, पानी में डूब जाएगी. तो इस तरह से ये कहा जाता है कि ये दुनिया या तो आग से खत्म हो जाएगी या तो पानी से. ये एक सिंबॉलिक पोयम है. सिंबॉलिक का क्या मतलब? यानी सिंबल, यानी प्रतीकात्मक पोयम है. इसमें पोएट आग और पानी के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि आग को उसने किसी और चीज के जरिए दर्शाया है. जैसे हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं इतनी अनंत हैं कि हर इंसान को इच्छा रहती है कि जैसे वो पावर की इच्छा, किसी को पावर चाहिए, किसी को पैसा चाहिए. यानी ये पोएट कहना चाहता है कि ये जो संसार है, इस पावर की जो इच्छा लोगों में है कि हम और पावरफुल हो जाएं, यही इच्छाएं होती है हर देश में कि हम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं, इसकी वजह से वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं. इस तरह से एक दूसरे पर अटैक कर करके एक दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी. तो इस समाप्ति का क्या कारण है? फायर. फायर यानी इच्छा, डिजायर. और दूसरा है आइस. आइस को जो पोएट ने कहा है कि आइस का मतलब यहाँ पानी, कहने का मतलब यहाँ पर उसने आइस का किस चीज का सिंबल माना है? घृणा का. आइस किस चीज का सिंबल है? हेट का. और फायर किस चीज का सिंबल है? फायर सिंबल है डिजायर का. कहने का मतलब वो कहता है अगर ये दुनिया डिजायर यानी इच्छाओं की वजह से नहीं खत्म होगी, तो एक दिन ये हम लोग के अंदर जो इतनी एक दूसरे के प्रति नफरत है, उस नफरत की वजह से ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी. एक दूसरे से लोग इतना नफरत करेंगे कि वो एक दूसरे पर अटैक करेंगे, हमला करेंगे, जो एटम बम क्या क्या बन रहा है, इसकी वजह से ये दुनिया एक दिन सर्वत्र नष्ट हो जाएगी. तो इस तरह से जो पोएट फायर एंड आइस की बात कर रहा है, वो वाकई में फायर एंड आइस की बात नहीं कर रहा है. वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है डिजायर. फायर मनी क्या है? इच्छाएं, डिजायर की बात कर रहा है. और आइस मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? नफरत, हेट की बात कर रहा है. वो कहता है कि या तो फायर की वजह से, यानी या तो फिर इस इच्छाओं की, अनंत इच्छाओं की वजह से, या तो जो हम असीम घृणा करते हैं दूसरे से, उन दोनों चीजों की वजह से ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी. तो अब ये इस पोयम में ये इसका समरी है. चलिए अब देखते हैं इस पोयम की कैसे स्टार्ट होती है. पोएट क्या कहता है? सम सेज इन द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. एंड मीन्स क्या होता है? समाप्त होना. सम से यानी कुछ लोग कहते हैं कि, पोएट ये कुछ नहीं कहता है, कौन कहता है? पोएट बता रहे कि लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं कि ये द वर्ल्ड, कि ये जो दुनिया है वो समाप्त हो जाएगी फायर की वजह से. फायर की वजह से मतलब क्या है? इच्छाओं की वजह से. जो हमारी अनंत इच्छाएं हैं उनकी वजह से एक दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी. और सम से इन द आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस की वजह से खत्म हो जाएगी. आइस का क्या मतलब? आइस का मतलब है हेट, यानी घृणा की वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? फॉर वॉट, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. लेकिन वो पोएट कहता है कि कुछ लोग को तो कहते हैं कि कुछ ये इच्छाओं की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं जो नफरत की भावना, हेट फीलिंग हमारे अंदर है, उसकी वजह से खत्म हो जाएगी. लेकिन जो पोएट है वो क्या कहता है? आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. पोएट कहता है कि ये जो उसके अकॉर्डिंग ये दुनिया जो है वो डिजायर की वजह से, यानी इच्छाओं की वजह से समाप्त हो जाएगी. यानी उन दोनों में से किस चीज को चुनता है? इच्छाओं को, कि इच्छाओं की वजह से दुनिया, ये डिजायर की वजह. स्टूडेंट, ये इच्छाएं उन्हें बताने समझाने के लिए कह दिया, लेकिन आप इसको डिजायर ही बार बार कहिए ताकि आपको याद रहे. ठीक है, ये दुनिया जो है डिजायर की वजह से समाप्त हो जाएगी. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. वो कहता है कि जो लोग फायर को फेवर करते हैं, यानी जो लोग ये कहते हैं कि हाँ इस फायर की वजह से, इस आग की वजह से
ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ। मैं भी कहता हूँ कि इन इच्छाओं की वजह से, इन डिजायर्स की वजह से एक दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्या, बट इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स होता है समाप्त होना, ठीक है, समाप्त होना, एंड होना, मरना, वो क्या कहता है, बट इफ, लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स होता है दोबारा, यानी एक बार तो दुनिया इन इच्छाओं की वजह से, हमारे अंदर जो अनंत इच्छाएं, पावर पाने की इच्छा, उसकी वजह से खत्म होगी, लेकिन अगर दोबारा, अगर ये फिर से समाप्ति की तरफ जाएगी, ये दोबारा फिर खत्म होगी, तो उसका कारण क्या होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो वो कहता है अगर दोबारा अगर मुझसे पूछा जाए, सेकेंड ओपिनियन मेरी ली जाए, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये दुनिया हेट की वजह से खत्म हो जाएगी, घृणा की वजह से खत्म हो जाएगी। यानी पानी को किस चीज का सिंबल दिया, उसने घृणा का सिंबल दिया कि एक दिन इस नफरत, हेट्रेड फीलिंग की वजह से ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ठीक है, उसका कहना है कि डिस्ट्रक्शन, ये जो विनाश होगा वो किसकी वजह से होगा, आइस की वजह से होगा, यानी हेट्रेड फीलिंग की वजह से लोग एक दूसरे पर अटैक करेंगे और इस तरह से ये दुनिया पूरी समाप्त हो जाएगी। इज ऑल्सो ग्रेट, ओके, उसका कहना है कि ये डिस्ट्रक्शन करने के लिए, विनाश करने के लिए जो बर्फ है, पानी है, यानी ये जो हेट है, हेट्रेड फीलिंग है, ये भी काफी है, बहुत है, यानी दुनिया को समाप्त करने के लिए अगर हमारे अंदर नफरत भरी है तो वो भी काफी है, वो उससे भी पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स क्या होता है, पर्याप्त होना, यानी इस दुनिया को समाप्त करने के लिए ये नफरत भी बहुत ज्यादा सफिशियंट है, पर्याप्त है, इसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी पोयम थी, शॉर्ट पोयम थी, इससे हमने क्या समझा, ये एक प्रतीकात्मक पोयम है, इसको प्रतीकात्मक मैंने हिंदी में बताया, लेकिन इसको आप एक ही चीज में लिखिए, इट इज अ सिंबोलिक पोयम। सिंबोलिक पोयम का क्या मतलब है, यानी इसमें जो है पोएट फायर एंड आइस की बात तो करता है, आग और पानी की बात तो करता है, लेकिन वो वाकई में आग और पानी की बात नहीं करता, वो किसकी बात करता है, फायर मीन्स होता है डिजायर, यानी हमारी इच्छाएं, और आइस मीन्स क्या, हेट्रेड फीलिंग, यानी उसका कहने का मतलब है ये पूरी दुनिया या तो हमारे डिजायर की वजह से समाप्त हो जाएगी, या हम जो एक दूसरे से इतनी हेट करते हैं उसकी वजह से ये दुनिया एंड हो जाएगी। और वो कहता है कि अगर मेरी राय ली जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि फायर की वजह से ही, यानी डिजायर की वजह से ही दुनिया समाप्त होगी, लेकिन अगर दुनिया, मेरी सेकंड ओपिनियन ली जाए, या दुनिया दोबारा समाप्त होगी, तो उसका क्या कारण होगा, आइस, यानी हेट्रेड फीलिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी शॉर्ट पोयम है। अब इसमें से आपको क्या आ सकता है, इसमें से इस पोयम की समरी लिखने को आ सकती है, जिसको भी कहा जाता है सेंट्रल आइडिया, ठीक है। और फिर इस पोयम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स मीन्स क्या होता है, जैसे जो बोलने में एक जैसे लिखे हैं, जैसे हम कहें फेम, सेम, केम, ये सारे वर्ड एक जैसे लग रहे हैं, बिन, टिन, सिन, तो ये इस राइमिंग इसको कहते हैं। तो इस लाइन में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। देखिए फायर, ये किससे राइम कर रहा है, डिजायर, तो फायर राइम्स विथ डिजायर। इसी तरह आइस, और ये किससे डिजायर कर, ये किससे कर रहा है, ट्वाइस, ठीक है, फायर डिजायर आइस ट्वाइस, इसी तरह ये आइस सफाइस, इस तरह से ये वर्ड्स एक दूसरे से राइमिंग कर रहा है। तो इसमें हो सकता है आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द राइमिंग वर्ड्स इन दिस पोयम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इस पोयम की आई विल गिव यू द समरी ऑफ द पोयम इन रिटन फॉर्म। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।